हेलो फ्रेंड्स, कैसे दानिश है। मैं नाम जो करता हूँ ऑल मॉडिफिकेशन का, न्यू स्टार मॉडिफिकेशन है मेरे चैनल का। आज दिखाने वाला हूँ मैं रॉयल इनफील्ड हिमालयन में टीपीयू का काम। हाँ दोस्तों, आज अपने पास न्यू वाली हिमालयन आई है जो कि बिल्कुल रिसेंट में आई है। वो भी आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त लग रही है। सोच के गए थे कि एक और जो इसकी जाना है। अच्छी चीज है जो कि आई है, इसके ऑफ रोडिंग भाई जबरदस्त है भाई देखने में भी। अभी इसके अंदर हम टीपीयू करने वाले हैं, वो भी बहुत मोटी जो कारों में होती है लेयर, वो करने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ और वीडियो भी मैंने बहुत बना चुका है। टीपीयू अलग होती है, पीपीएफ अलग होती है। अब लोग पीपीएफ इसको भी कहते हैं जो टीपीयू होती है, पीपीएफ होती है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। जो टीपीयू होती है जो कारों में लगती है, बहुत मोटी वाली है। इसके अंदर माइक्रोन्स 189 के पाए जाएंगे और बाकी नॉर्मल होती है, वो नॉर्मल ही होती है, लैमिनेशन कहते हैं जिसको हम। बाकी लोग उसे पीपीएफ बता के भी चेप देते हैं बहुत लोग, वो अलग बात है। आप देख सकते हो हमारा लेफ्ट राइट का पल्ले होंगे। अब मैं पल्ले क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पूरी टंकी एक साथ में होती नहीं है। टीपीयू अलग अलग पार्ट्स में होती है, टुकड़ों में होती है। पहले साइडों के पल्ले होते हैं लेफ्ट राइट के, फिर बीच के होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कर्व होता है। कारों के अंदर ऐसा नहीं होता कर्व, क्योंकि एकदम फ्लैट होती है, उसमें एक ही बार में हो जाता है। हल्का फल्का कर्व होता है, वो अबजोश हो जाता है। पर इसके अंदर बाइकों के अंदर बहुत ज़्यादा कर्व होता है, तो हम इसके अंदर बहुत दिक्कत आने लग जाती है। हम सिंगल पीस में करते खींच खाँच के, तो दिक्कत आने लग जाती है, तो कंप्लेंट आती है, तो इस वजह से हम नहीं करते। अब भी मेरी शॉप पे करा सकते हो, वो भी बड़े रीजनेबल प्राइस में। मेरी शॉप करोल बाग नाईवालन में है। आप न्यू स्टार मॉडिफिकेशन डालो गूगल पे, सीधा डायरेक्शन पे क्लिक करो, सीधा मेरी शॉप पे आ जाओ फटाफट की। और इसकी एसेसरीज वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, वो भी अपने पास अवेलेबल है और इंस्टॉल भी हो जाएगी। और आप एक और ऑप्शन है, आप बाहर से भी मंगा सकते हो या कहीं से मंगा सकते हो, वो मेरी शॉप पे आके इंस्टॉल भी करवा सकते हो, वो भी करा सकते हो। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग में काम हो रहा है, कितना जबरदस्त काम हो रहा है। आप देख सकते हो पीछे काम चल रहा है, आगे का फ्रंट का हो गया, अब सिर्फ फ्रंट का मरगाड़ रह गया। छोटे छोटे पीस होते हैं, तो बाकी मेन जो होती है टंकी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है। ये मॉर्निंग में आई थी 11 बजे गाड़ी, अब जाएगी 5-6 बजे, 7 बज गए हैं मोस्टली, इतना ही टाइम हो जाता है। और गाड़ियों में R15 वगैरह में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसके अंदर कर्व प्लस है और उसके अंदर बॉडी भी बहुत ज़्यादा भी है, फ्रंट में मरगाड़ हो रहा है। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग है, कितनी ज़बरदस्त है। और आपको एसेसरीज वगैरह कुछ भी मंगानी हो वो भी मंगा सकते हो। COD अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट प्रीपेड है। आप बहुत चीज़ें, मैंने पिछली बार ओला की वीडियो डाली थी, वो भी ज़बरदस्त प्यार दिया भाई साहब आपने, बहुत मज़ा आ गया, जबरदस्त था। उसके लिए भी मैं दोबारा वीडियो लाऊंगा। अब मैं बार बार एक वीडियो नहीं डाल सकता, अलग अलग वीडियो डालूंगा तो मेरी वीडियो चलेगी। ये मैंने थोड़ा सा अच्छी वीडियो नहीं बनी है, फिर भी ये मैंने डाल दिए, क्योंकि जो लोगों का प्यार है ना वो कम नहीं होने दे सकता मैं, बेकार वीडियो कुछ भी हो, लोगों का जो प्यार है ना वो मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालता रहता हूँ। चाहे मेरे पास कंटेंट में दो ही रखता हूँ, एक ऐसे सीरीज का कंटेंट है मेरे पास और एक लैमिनेशन का, ये हो चुकी है फाइनल। फाइनल में आप देख सकते हो, कोई बता ही नहीं सकता कि इसके अंदर जोड़ लगे हुए, क्योंकि 3 पार्ट्स में होते हैं, जोड़ तो लगते ही है। आपको मैंने बताया था टीपीयू के बारे में, कोई नहीं बता सकता कि जोड़ में हुई है, सिर्फ टंकी पे हुआ है जोड़ और थोड़ा सा मरगाड़ पे हुआ है, फ्रंट पे मरगाड़ पे भी नहीं हुआ, बस मेन टंकी पे हुआ है जोड़, बाकी किसी पे जोड़ नहीं हो सकता। आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त लग रही हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो।